150 रुपये लगा के 600 की सेल हो जाएगी, है ना भाई। कश्मीरी लहसन आपको भाई ये मिल जाएगा इस तरह का, ये कितने रुपए होता है। इस सुपारी वगैरह चाहिए तो हमारे अंकल जी के पास आपको सुपारी वगैरह भी मिल जाती है। अंकल जी कितने रुपए किलो है सुपारी? तो भाई 1 किलो का ही आपको मिल जाएगा 250 रुपये का। और भैया ये गुलाब का, यहाँ पे अगर माल लेके जाते हो ना आप 5-10 हज़ार रुपये का, तो आराम से आपका माल वो 15 से 20 हज़ार रुपये का सेल हो जाएगा। यहाँ पे भाई आपको साबुन देखने को मिल जाते हैं। भैया साबुन क्या रेट है ये? इस तरह की भाई आपको अगर पिज़्ज़ा बनाने की चीज़ें भी चाहिए तो वो भी आपको इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। मुनक्का भाई आपको मिल जाएगा पैकिंग में, ठीक है। ये कितने का देते हो भैया? 100 रुपये का पूरा पैकेट है। 300 पीस है। अच्छा 300 पीस है, क्या बात है भाई। आप 100 रुपये लगा के इसमें आराम से 200 रुपये प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये भाई मेहंदी में यूज़ किया जाता है, ये खाने के काम नहीं आता। सऊदी अरब का भाई आपको खाना, तो ये सऊदी अरब का भी देखो मिल जाएगा 650 भैया। ये भाई पूजा के काम आती है। 500 रुपये किलो आपको ये भी मिल जाएगी। 80 रुपये में भाई आपको 120 का माल मिल जाता है। 100 रुपये का होता है और 200 का माल होता है। इसके अंदर गुड़ आपको चाहिए तो गुड़ भी आपको मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई, लाल लाल गुड़ हमारे को देखने को मिला। ये कितने का भैया? ये भाई आपको कसूरी मेथी मिल जाएगी। ये भी 1 किलो है भैया। 140 रुपये का 50 ग्राम। अच्छा तो भाई ये थोड़ा तेज भी है, उठाते ही भाई तो खुशबू आ गई इसकी। भाई अंजीर भाई आपको मिल जाती है। कितने की भाई जी? 1000 रुपये किलो। हिमाचल का आपको चाहिए, हिमाचल का लहसन भी आपको मिल जाता है। ये कितने रुपये रेट है भैया? हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनीत ब्लॉग में। तो भाई आज आपका भाई लेकर आ गया आपको बताशे वाली गली। मेरे पीछे आप देख रहे हो भाई बताशे वाली गली है। ये खारी बावली चांदनी चौक में बताशे वाली गली पड़ती है। अगर आपको यहाँ पर आना है, सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो है वो आपका होगा चावड़ी बाज़ार का। वहाँ से भाई थोड़ी सी दूरी पर ये मार्केट शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको भाई बेसिकली ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल जाता है, पान वगैरह मिल जाता है। जो भी पान की दुकान पर यूज़ होता है सामान वो आपको मिल जाता है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल जाता है। कन्फेक्शनरी आइटम में जो चीज़ें यूज़ होती है, टॉफ़ी वगैरह, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आप आ सकते हो। मार्केट जो है ये संडे को बंद रहती है, तो नॉर्मल डेज मंडे टू सैटरडे आप यहाँ पर आके शॉपिंग कर सकते हो। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है, सब कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। मार्केट की टाइमिंग जो है भाई सुबह होती है 10 बजे से शाम को 7 बजे तक। तो यहाँ पर आ सकते हो और शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई ये है बताशे वाली गली। भाई आप यहाँ से आते तो खारी बावली है, खारी बावली से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। बताशे वाली गली आप बोलोगे किसी को भी तो ये बताशे वाली गली होने वाली है। चलते हैं अंदर, देखते हैं हमारे को क्या क्या मिलता है। सब कुछ रेट कवर करेंगे, है ना, सब चीज़ के। तो वीडियो में बने रहना भाई। चलते हैं भाई यहाँ पर। भाई हमारे को देखो पान देखने को मिली है ये, ठीक है, हमारे अंकल जी के पास। ठीक है अंकल जी, ये पान है क्या? ये अच्छा पान का पत्ता है, ये बांधने के काम आता है पान को, है ना। पान अलग चीज़ होती है। ये भाई पान को बांधने के काम आता है। तो अंकल जी क्या रेट होता है इसका? 50 रुपये किलो होता है। अच्छा भाई 50 रुपये किलो होता है, ठीक है भाई। पान बांधने के काम आता है, इस तरह का होता है ये, ठीक है। पान नहीं होता, पान को बांधने के काम आता है ये। और सुपारी, ठीक है अंकल जी। सुपारी वगैरह चाहिए तो हमारे अंकल जी के पास आपको सुपारी वगैरह भी मिल जाती है। अंकल जी कितने रुपये किलो है सुपारी? 550 रुपये किलो। 550 रुपये किलो है। 550 रुपये किलो भाई आपको ये वाली मिल जाएगी। और ये इससे छोटी है। ये कितने रुपए किलो अंकल जी? ये पूजा के काम आती है 500 रुपये किलो। अच्छा पूजा के काम आती है। ये भाई पूजा के काम आती है, 500 रुपये किलो आपको ये भी मिल जाएगी। और ये अंकल जी टुकड़े में है, 560 रुपये किलो। तो 560 रुपये किलो आपको ये भी मिल जाएगी। तो ये इसका टुकड़ा होता है ना अंकल जी, ये वाला इसका टुकड़ा होता है ना, टुकड़ा होता है। ये साबुत है और भाई ये टुकड़ा आपको मिल जाएगा। और भी हमारे को देखो ये, इसको क्या बोलते हैं अंकल जी? कत्था वगैरह, कत्था भाई बोलते हैं। देखो चॉकलेट की तरह दिख रहा है ये, ठीक है। इस ये कितने रुपए किलो होता है अंकल जी? 1000 रुपये किलो। क्या बात है भाई, 1000 रुपये किलो आपको कत्था ही मिल जाएगा। अच्छा मेहंदी वाला है, मेहंदी के लिए यूज़ होता है। अच्छा अच्छा खाने के काम नहीं आता, वो मेहंदी में यूज़ होता है बस। तो भाई ये देखो सामने आप देख रहे हो, ये भाई मेहंदी में यूज़ किया जाता है, ये खाने के काम नहीं आता। बाकी ये जो है ये पान वान में खाने के काम आते हैं। और अंकल जी ये जो दिख रहा है सफ़ेद, ये क्या है? रोस्टेड सुपारी है। ये भाई आपको देखो रोस्टेड सुपारी भी मिल जाएगी। तो ये इसका क्या प्राइस होता है अंकल जी? 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो भाई आपको रोस्टेड सुपारी भी मिल जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारे अंकल जी के पास आपको मिल जाएगी। भाई जैसे आप एंटर करोगे तो सीधे हाथ पे दूसरी शॉप है अंकल जी की, ठीक है। ये हमारे अंकल जी। अंकल जी किस नाम की शॉप होती है अपने? पेशीलाल जैन। पेशीलाल जैन, पेशीलाल जैन के नाम से अंकल जी की शॉप है। भाई आप यहाँ पर आ सकते हो और सुपारी कत्था वगैरह ले सकते हो अंकल जी से, ठीक है अंकल जी। तो चलिए भाई आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे भाई आपको साबुन देखने को मिल जाते हैं। भैया साबुन क्या रेट है ये? 120 रुपये। सबका एक ही रेट होता है, ये अलग अलग रेट होता है? अच्छा 120 रुपये भाई आपको ही मिल जाएगा, ठीक है। अलग अलग रेट होता है इसका, आप यहाँ पर आके ले सकते हो। और भाई चलते हैं आगे, देखते हैं हमारे को। देखो यहाँ पे आपको कन्फेक्शनरी आइटम मिल जाती है हमारे भैया पे, है ना। यहाँ पे हम आते हैं हमेशा। और भैया क्या हाल है? बढ़िया। ये कन्फेक्शनरी अगर आपकी शॉप है तो आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पर चीज़ें मिलने वाली है। तो थोड़ा बहुत भैया से पता करते हैं रेट वगैरह क्या क्या होने वाला है। भैया क्या इसका प्राइस होता है, थोड़ा बताओगे? का पैकेट है, 100 रुपये का पूरा पैकेट है, 300 पीस है। अच्छा 300 पीस है, क्या बात है भाई। आप 100 रुपये लगा के इसमें आराम से 200 रुपये प्रॉफिट कमा सकते हैं, है ना। 300 रुपये की आपकी सेल हो जाएगी। और इसमें छोटे में अंकल जी? छोटे 20 रुपये का पैकेट है, कोई से भी ले सको। अच्छा ये सब 20-20 रुपये के पैकेट है। और कितने पीस होते हैं इसके अंदर अंकल जी? इसमें 30 रुपये का माल होता है। 30 रुपये का माल होता है, मतलब 20 रुपये लगा के 10 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा हमारे को, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती है। और भाई ये देखो आपको ये सब चीज़ें भी मिल जाती है, ये लैटरी वगैरह जो भी होती है। तो इनका क्या प्राइस होता है लैटरी का? अलग अलग रेट की है, जैसे ये दिख रही है हमारे को। अच्छा ये वाली कितने की अंकल जी? हाँ 150 का पत्ता है, 150 का पत्ता आपको ये मिल जाएगा। तो मतलब और कितने का बिकेगा ये? 600। अच्छा 600 रुपये बन जाएंगे, 150 रुपये लगा के 600 की सेल हो जाएगी, है ना। तो लॉटरी में भाई ऐसे ही होता है, आप इसको लेके जाते हो, आपकी अगर छोटी मोटी दुकान है ना तो आप इसको रख सकते हो। तो ये 150, 200 रुपये, 100 रुपये ऐसे लगा के आराम से 400-500 रुपये का प्रॉफिट इसमें हो जाता है। तो एक दिन की दिहाड़ी तो निकल ही जाएगी। अच्छा 700 वाले में 1000 मिल जाते हैं, तो उसमें चीज़ें मोटा मोटा, हाँ ये देखो ना बढ़िया बढ़िया चीज़ें लगी हुई है, तो इसलिए ज़्यादा बच्चे आते हैं और ज़्यादा ये खोलते हैं, है ना। हाँ हाँ भाई इसमें यही होता है, कुछ बच जाता है और कुछ चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको यहाँ पर मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया। जैसे भाई देखो चश्मे मिल जाएंगे आपको, है ना, ये गाड़ियाँ मिल जाएगी। तो इस तरह की ये गाड़ी, ये पैकेट कितने का होता है अंकल जी? 80 रुपये का पैकेट है। 80 रुपये का? अच्छा टोटल इसमें कितने का माल होता है? 100 रुपये का। अच्छा मतलब 80 रुपये में 120 रुपये का माल होता है ना। 80 रुपये में भाई आपको 120 का माल मिल जाता है। तो इस तरह के आपको अगर गुब्बारे चाहिए तो भाई ये बैलून का पैकेट भी आपको मिल जाएगा। इसका क्या प्राइस होता है अंकल जी? 60 रुपये का। 60 रुपये का, और अलग अलग प्राइस होंगे इनके ना, अलग 60 रुपये, 80 रुपये, किसी का ऐसा होगा। तो इस तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी। ये भाई आपको चाहिए तो ये टॉफ़ी वगैरह कैंडी वगैरह आपको मिल जाती है। ये कितने का पैकेट अंकल जी? अच्छा चिंगम होती है ये। अच्छा तो ये कितने का होता है डब्बा पूरा? अच्छा 100 रुपये का होता है अंकल जी। 100 रुपये का होता है और 200 का माल होता है इसके अंदर। और ये थोड़ा यूनिक लग रही है अंकल जी, ये कितने? अच्छा 1 की 4 बिकती है। अच्छा 1 की 4 बिकती है। अच्छा और घड़ी भी दे रहे हो साथ में, इसके घड़ी भी फ्री है, ठीक है। कितने का है ये? कितने का अंकल जी? 120 रुपये का भाई आपको ये भी मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको भाई यहाँ पर मिल जाती है। ये देखो भाई अगर आपको ये चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगी। तो ये कितने का है? 2 रुपये बिक्री का है। 130 रुपये का भाई आपको 2 रुपये की बिक्री में ये मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी सही प्रॉफिट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप यहाँ पे अगर माल लेके जाते हो ना आप 5-10 हज़ार रुपये का, तो आराम से आपका माल वो 15 से 20 हज़ार रुपये का सेल हो जाएगा, मतलब उसमें प्रॉफिट मिल जाएगा आपको अच्छा खासा, है ना। भैया की दुकान भाई इस तरह की है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। सचिन स्टोर के नाम से शॉप है भैया की, ठीक है भाई। जैसे ही आप एंटर करोगे तो लेफ्ट साइड की दूसरी दुकान है, आप यहाँ पर आ सकते हो और अंकल भैया से हमारे ले सकते हो। हमारे अंकल जी भी मिलेंगे, ठीक है, ये भी मिलेंगे हमारे अंकल जी, ठीक है। अंकल जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलते भाई और आगे देखते हैं और हमारे को क्या मिलता है, देखते हैं। यहाँ पर भाई आपको देखो ये भाई चीनी मखाना सुपर मिल जाएगा आपको, ठीक है, 42 रुपये। चीनी धामपुर डबल मिल जाएगी 43 रुपये। इस तरह के भाई यहाँ पर रेट होते हैं, ठीक है। बताशे भैया क्या किस रेट के देते हो? ये 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो भाई आपको बताशे इस तरह के मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको मिल जाएगी। भेल आपको चाहिए, इसका क्या रेट होता है भेल का? दोनों का एक ही रेट है, दोनों का भाई एक ही रेट मिल जाएगा 70 रुपये। और मिश्री का भैया 55। ये देखो भाई 55 रुपये आपको भाई मिश्री मिल जाती है। तो मतलब जाहिर सी बात है भाई जो घर के आसपास हमारा रेट होता है उससे यहाँ पर होलसेल में ही आपको मिल जाता है। तो होलसेल में 1-2 किलो दे देते हो ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? दे देते हैं भाई, है ना। गुड़ आपको चाहिए तो गुड़ भी आपको मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया लग रहा भाई, लाल लाल गुड़ हमारे को देखने को मिला। ये कितने का भैया? 55 रुपये। 55 रुपये भाई आपको ये भी मिल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। शक्कर भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। ये भाई जैसे हम घुसे हैं तो 3-4 नंबर की दुकान है भैया की। और भाई आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे को क्या मिलता है। टॉफ़ी वगैरह चाहिए आपको, यहाँ पर टॉफ़ी वगैरह मिल जाती है, मतलब गली के अंदर आपको भाई, है ना, कन्फेक्शनरी आइटम चाहिए तो वो आपको मिल जाती है काफ़ी अच्छे और सस्ते रेटों पर। और भाई चलते हैं आगे, देखते हैं हमारे को क्या क्या मिलता है। यहाँ पर देखो भाई पन्नी वगैरह चाहिए तो आपको यहाँ पर पन्नी मिल जाएगी। भैया हमारे बिना लाइट के बैठे हुए हैं, तो भैया पन्नी का क्या रेट होता है थोड़ा सा बताएंगे हमारे को? 200-300 रुपये। अच्छा 200-300 रुपये किलो होता है। अच्छा ये 200 रुपये है। अच्छा ये 300 रुपये भाई, ठीक है। अच्छा ये 180 रुपये है। इसमें भाई फ़र्क क्या होता है, मतलब थोड़ा बताओगे फ़र्क क्या होता है पन्नियों में? अच्छा लोट का और फ्रेश का, बस यही फ़र्क होता है ना भाई, फ्रेश का और लोट का माल होता है, यही फ़र्क होता है भाई। 200 रुपये, 300 रुपये ऐसे आपको मिल जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरह की आपको मिलता है। जैसे ये बड़ी वाली है भाई, ये अपना क्या रेट होता है बड़ी जो है ये वाली? ये भी 200 रुपये है भाई, ये भी आपको देखो 200 रुपये मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह की पन्नी जो है आपको भाई यूज़ करने के लिए यहाँ पर मिल जाती है हमारे भैया के पास। ठीक है, जैसे भाई हम आए हैं तो आप थोड़ी सी आगे आओगे तो सीधे आप तो भैया की शॉप है, ये हमारे भाई है। ठीक है, और ये हमारा छोटा भाई। ठीक है भाई, और चलते हैं आगे देखते हैं हमारा विनीत ब्लॉग। ठीक है, और भाई चलते हैं आगे देखते हैं हमारे को क्या मिलता है। तो भाई इस तरह की मार्केट होती है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है भाई, ये बताशे वाली गली से स्टार्ट करते हैं हम और बिल्कुल एंड तक आप जाओगे तो खारी बावली आ जाता है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स की मार्केट, इस तरह की शॉप होती है भाई यहाँ पर, है ना। आप कन्फेक्शनरी आइटम आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी, और भी भाई आपको ड्राई फ्रूट वगैरह चाहिए, पान वगैरह चाहिए तो स्टार्टिंग में मिल जाते हैं, है ना। तो ऐसी ये मार्केट होती है। टाइमिंग आपका यही रहता है यहाँ पर, सुबह 10-11 बजे से शाम को 7-8 बजे तक, तो आप यहाँ पर आ सकते हो और शॉपिंग वगैरह कर सकते हो आप। हमारे को देखो भाई पुदीना पत्ता देखने को मिला है। ठीक है, आपको गुलाब के पत्ते भी मिल जाएंगे। तो भैया से रेट पता करते हैं क्या इसका रेट होने वाला है। भैया क्या रेट होता है इसका? 250 पर केजी, है ना। 250 का मतलब 250 रुपये भाई आपको पर केजी ये पड़ जाता है। और ये अगर पूरा लेंगे तो भैया कितने किलो का होता है ये? एक किलो का ही है। क्या बात है भाई, 1 किलो का ही आपको मिल जाएगा 250 रुपये का। और भैया ये गुलाब का 400 रुपये किलो आपको ये मिल जाएगा। ये भी 1 किलो है, 1 किलो भाई आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें अगर बड़ा अगर चाहिए भैया ज़्यादा, भाई आपको जैसे ये 1 किलो पड़ जाएगा। ठीक है, 400 रुपये का। अगर आप बल्क में लेते हो तो भैया 4000 रुपये का 10 किलो का आता है ना ये, तो उसमें थोड़ा बहुत रेट लगा दोगे आप। और ये भी आप 250 बता रहे हो, ये भी भाई आपको 1 किलो का 250 का मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ सकते हो। जैसे भाई हम आएंगे तो राइट साइड में भैया की शॉप है, इस तरह की भाई चीज़ें आपको, ये क्या बोलते हैं इसको, ये कसूरी मेथी है। ये भाई आपको कसूरी मेथी मिल जाएगी। ये भी 1 किलो है भैया, 1 किलो का कितने का होता है ये? 260 रुपये, 260 रुपये भाई आपको कसूरी मेथी का भी मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको भाई यहाँ पर मिल जाती है। ये हमारे भैया, इनका कार्ड है भाई। ठीक है, ये है, और दोनों नंबर अपने ही हैं भैया, किसी भी नंबर पे भाई आप फ़ोन कर सकते हो। ओजा ट्रेडिंग के नाम से शॉप है भैया की, और ये हमारे भैया। ठीक है, यहाँ पर आ सकते हो और भैया से ले सकते हो आप चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको भाई यहाँ पर मिल जाती है। और भी भाई इनके पास देखो ये मिर्च वगैरह भी रखते हैं। चिली फ्लेक्स है ना सर, कितने के होता है पैकेट ये? 330 का, 330 रुपये का चिली फ्लेक्स का पैकेट आपको भाई ये मिल जाएगा। और भैया ये क्या चीज़ है? पिज़्ज़ा। अच्छा, मतलब पिज़्ज़ा बनाने वाली चीज़ें भी अपने पास होती है ना। ये ओरिगैनो है, ये भाई ओरिगैनो भी आपको मिल जाएगा। ये कितने का होता है? 180 का, 180 का पूरा पैकेट है ये, 1 केजी का, 1 केजी का 180 का आपको मिल जाएगा। ये 330 का है। और भैया ये नहीं बताया आपने कितने का? 350 का है। ये भाई आपको 350 का मिल जाएगा। तो इस तरह की भाई आपको अगर पिज़्ज़ा बनाने की चीज़ें भी चाहिए तो वो भी आपको इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आ सकते हो और भैया से ले सकते हो। ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है अंकल जी, चलते भाई और आगे देखते हैं। देखो भाई इस तरह की मार्केट होती है। ठीक है, यहाँ पर भाई आ सकते हो आप और ले सकते हो। इस तरह की चीज़ें जो है आपको यहाँ पर मिल जाती है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह चाहिए और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है ना। ये अचार वचार चाहिए तो आपको यहाँ पे भाई ये देखो अचार वगैरह, इस तरह के भाई अचार वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अलग अलग रेट होता है इनका। और चलते हैं यहाँ पर भाई देखो मार्केट, जैसी भाई एंड होती है तो खारी बावली की यहाँ पर मार्केट शुरू हो जाती है। ठीक है, ड्राई फ्रूट की। और भाई हम यहाँ पर आए हैं हमारे भैया के पास। यहाँ पर भाई अगर आपको हींग चाहिए तो हींग पाउडर आपको मिल जाता है काफ़ी अच्छे और सस्ते रेटों पे। भैया क्या रेट होता? अच्छा खा रहे हो, क्या रेट है भैया? 100 रुपये का 100 ग्राम है। 100 रुपये का भाई 100 ग्राम, ये 100 ग्राम का है ना। ये 100 रुपये का भाई आपको ये मिल जाएगा। ये अलग अलग है इसकी पैकिंग? अच्छा, पैकिंग अलग होगी ना, चीज़ सेम है ना। और ये कितने ग्राम की है? 20 रुपये का 20 ग्राम। भाई ये देखो 20 रुपये का 20 ग्राम आपको ये भी मिल जाएगा। और ये भी हींग है भैया, साबुत है ना। ये कितने का है? 140 का, 140 रुपये का, 140 रुपये का भाई आपको यही मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये भैया स्पेशल हींग है, मतलब तेज है। 140 रुपये का 50 ग्राम, 140 रुपये का 50 ग्राम। अच्छा, तो भाई ये थोड़ा तेज़ भी है, उठाते ही भाई तो खुशबू आ गई इसकी यार। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको मिल जाती है। चने वगैरह चाहिए आपको भाई, चने मिल जाते हैं। ठीक है, ये कितने का भैया? 50 रुपये का, 50 रुपये का भाई आधा किलो का होता है। ठीक है, और ये वाला अलग रेट है भैया? अच्छा, ये 60 रुपये का है आधा किलो का, और ये 50 रुपये का। और अपने पास ये भैया खजूर वगैरह कितने के होते हैं? ये 260 रुपये किलो दोनों। अच्छा, ये दोनों जो है भाई ये 260 रुपये आपको ये मिल जाएंगे। और ये 650 भी है। सफाफी है, सफासी भी है, सऊदी अरब की। अच्छा भाई, सऊदी अरब का भाई आपको खाना, तो ये सऊदी अरब का भी देखो मिल जाएगा। 650 भैया, 650 का है। अच्छा भाई, ये भाई आपको मिल जाएगा 1100 रुपये का। ठीक है, और बादाम काजू भी रखते हो भैया आप? अच्छा, 700 रुपये है भाई, 780 है, और 800 रुपये है। अच्छा, ये अमेरिकन है, ये कैलिफोर्निया, और वो ऑस्ट्रेलियन। क्या बात है भाई, ये देखो इस तरह के आपको भाई बादाम भी मिल जाते हैं। काजू का क्या प्राइस होता है भैया अपने पास? अच्छा, नीचे वाला 780 है। अच्छा, वो 880। अच्छा भाई, 880, 780। ठीक है, इस तरह के भाई आपको मिल जाते हैं, है ना। बच्चा 1200 रुपये ये है। तो बढ़िया बढ़िया काजू भाई आपको यहाँ पर मिल जाएगा हमारे भैया के पास, है ना। पिस्ता भैया क्या रेट देते हो आप? 1100 रुपये भाई, 1100 रुपये आपको देखो पिस्ता दे देंगे हमारे भैया। और अखरोट का क्या प्राइस होता है भैया? 1100 रुपये। अच्छा भाई ये देखो ये 900 रुपये है और वाली 1100 रुपये है। और ये किशमिश 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो, 300 रुपये किलो ये। और ये अलग होगी है ना भैया? अच्छा 320 और 20 रुपये का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है ना, 20 रुपये का फ़र्क है भाई। ये 320 की है और ये 300 रुपये की। हाँ भाई अंजीर भाई आपको मिल जाती है कितने की भाई जी? 1000 रुपये किलो। 1000 रुपये किलो भाई आपको अंजीर मिल जाती है ना, इस तरह की आपको अंजीर मिल जाएगी। और गोले कितने क्या रेट चल रहा है आजकल भैया? 200 रुपये। 200 रुपये भाई देखो गोले का रेट चल रहा है, काफ़ी बढ़िया गोला है भैया के पास, ठीक है। और भैया ये किस्म ये बताओगे छोटी इलायची? 200 रुपये की 100 ग्राम। 200 की 100 ग्राम है, मतलब 2000 रुपये किलो है। 2000 रुपये किलो भाई आपको देखो ये भी मिल जाएगी। तो इसमें भैया और बढ़िया क्वालिटी भी आती है इसी में, मतलब छोटी इलायची में बड़ा दाना छोटा दाने का फ़र्क है ना, बस यही फ़र्क होता है, बड़ा दाना और छोटे दाने का फ़र्क होता है। ज़्यादा बड़ा दाना होगा तो अच्छा। अच्छा बियर रंग की है ये? अच्छा नेचुरल है ये भाई आपको नेचुरल मिल जाएगी, ठीक है भाई। 200 रुपये की 100 ग्राम बता रहे भैया हमारे, 2000 रुपये किलो आपको मिल जाएगी। तो बस यही है, थोड़ा बड़ा दाना होता है, मोटा दाना होता है, पॉलिश वाला होता है, इसलिए थोड़ा रेट का जो है वो ऊपर नीचे होता है, बाकी चीज़ आपको बढ़िया मिल जाती है यहाँ पर। और भैया ये क्या चीज़ है पैकिंग में क्या ही? अच्छा भाई मुनक्का, ये मुनक्का भाई आपको मिल जाएगा पैकिंग में, ठीक है। ये कितने का देते हो भैया? 200 का 250 ग्राम भाई, 200 रुपये का 250 ग्राम भाई आपको मुनक्का भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये काजू में पैकेट वाला कितने का? 300 रुपये का आधा किलो। 300 रुपये का आधा किलो। 300 रुपये का आधा किलो अगर आपको भाई पैकेट में आपको चाहिए तो वो भी मिल। क्या बोलते हैं? 4 फाड़, मतलब काजू में होती है वैरायटी है ना, तो भाई काजू में वैरायटी होती है 4 फाड़ भाई इसको बोलते हैं, ठीक है। 300 रुपये का बताया आपने है ना, 300 रुपये का भाई है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको यहाँ पर मिल जाती है भाई। भाई आपको मखाना चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगा, भैया ने बोर्ड ये भी लगा रखा है। आपसे 560 रुपये, 560 रुपये भाई आपको इस तरह का मखाना भी मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ये अलग है भाई जी। अच्छा ये 800 रुपये भाई, बढ़िया वाला मखाना चाहिए तो ये भी आपको चाहिए। तो क्या बोलते हैं? अच्छा बड़ा दाना जो होता है भाई, बड़ा दाना होता है, ठीक है, ये हैंड पिक बोलते हैं भाई इसको, ठीक है। 800 रुपये किलो है और वो जो है भाई 560 रुपये है। तो भाई अपना एक कार्ड दिखाएंगे एक बार, तो यहाँ पे भाई आप आ सकते हो लेने के लिए भैया से, ठीक है। मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ भैया का, ताकि आपको आसानी हो यहाँ पर आने में। ये भैया का कार्ड है भाई, ये देखो, ठीक है। नंबर भी अपने ही है तीनों, है ना। कि भाई किसी भी नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो, यहाँ पर विजिट कर सकते हो, आके भाई ले सकते हो हमारे भैया से, ठीक है। ये हमारे भैया मिलेंगे आपको और ये भी हमारे भाई मिलेंगे, तो यहाँ पर आ सकते हो और इनसे ले सकते हो, ठीक है। भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, चलते भाई। और देखो इस तरह की भाई मार्केट होती है, जैसे कि भाई मैंने आपको बताया। जैसे आप भाई बाहर निकलोगे ना तो यहाँ से खारी बावली स्टार्ट हो जाती है, ड्राई फ्रूट की मार्केट। ये लहसन कितने का है? ये 80 का 250 ग्राम भाई देखो, 80 रुपये का 250 ग्राम आपको लहसन में मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो भाई एक पोती लहसुन आपको ये मिल जाएगा, है ना, 80 रुपये का 250 ग्राम। और ये क्या चीज़ है भैया? अच्छा भाई कश्मीरी लहसन आपको भाई ये मिल जाएगा इस तरह का। ये कितने रुपये होता है? 200 का 100 ग्राम। अच्छा मतलब 2000 रुपये किलो होता है ये भाई, 2000 रुपये किलो होता है। 200 रुपये का 100 ग्राम आपको कश्मीरी लहसन मिल जाएगा, ठीक है। और ये भैया? अच्छा ये हिमाचल का भी है भाई, देखो हिमाचल का आपको चाहिए, हिमाचल का लहसन भी आपको मिल जाता है। ये कितने रुपये रेट है भैया? 100 रुपये का 100 ग्राम। 100 रुपये का 100 ग्राम आपको ये मिल जाएगा। और भैया ये दाने आप कितने के दे देते हो? ये 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो भाई आपको दानों ये मिल जाएंगे। और ये साबुत 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो भाई आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और आपको ये 80 रुपये किलो ये मिल जाते हैं। और ये पैकेट बना के कितने का देते हो? 1 किलो का 80 रुपये का। 80 रुपये का भाई आपको 1 किलो का ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ सकते हो और ले सकते हो। तो भाई देखिए आपने वीडियो आयो, वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मार्केट आपको कैसी लगी है, यहाँ पे कैसे लगे हैं, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।